सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातस्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की पूजाचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय समस्त आचार्य संघ की जय। आगम के माध्यम से और गुरुओं के वचनों से यह बात जानने में आई है कि वीर प्रभु को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और केवल ज्ञान के माध्यम से विश्व को उन्होंने जाना, बल्कि जाना नहीं, केवल ज्ञान के भीतर पूरा विश्व आया है। यद्विद्या दर्पणायते, दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, अपने अपने स्थान पर वस्तु हैं, दर्पण अपनी जगह है, वस्तु अपनी जगह है, वस्तु के पास दर्पण गया नहीं न दर्पण के पास वस्तु आए हैं। यथावत स्थान में वो पदार्थ विद्यमान होते हुए भी दर्पण में एक विशेषता रहती है, उन सभी वस्तुओं को प्रतिबिंबित कराने की योग्यता उस आईने में आता दर्पण में हुआ करती है। उसी प्रकार यद विद्या जिनकी केवल ज्ञान रूपी विद्या में ये तीन लोक अवतरित हो रहा है। केवल ज्ञान की विराटता देखो, अनंतानंत जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनके अतीत अनागत संबंधी पर्यायों के साथ और प्रत्येक द्रव्यगत जो अनंतानंत गुण हैं उन गुणों के साथ एक समय में वो केवल ज्ञान के विषय बनते हैं। यानी केवल ही भगवान के लिए कोई भी पदार्थ अवशिष्ट नहीं रहा, ये भूत पदार्थ जो उनके ज्ञान का विषय नहीं बना हो। इसके बावजूद भी उन्हें तीर्थंकर के लिए, वीर प्रभु के लिए उन पदार्थों में कोई भी आनंद नहीं आ रहा है। जबकि संसारी प्राणी के पास थोड़ा भी ज्ञान यदि उत्पन्न हो जाता है तो वह आनंदित होता है, किंतु भगवान पदार्थों के ये पदार्थों के जानने से उन्हें आनंद नहीं आ रहा, किंतु निजानंद रसलीन कहा है। वे अपने आत्मा में लीन हो चुके हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस्य विहीन कहा। अरि का अर्थ होता है मोह, मोह रूपी अरि को समाप्त कर दिया है और आवरण ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय कर लिया है और रहस्य अर्थात अंतराय कर्म का भी उन्होंने क्षय किया है। सर्वप्रथम केवल ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए चार घातिया कर्मों में जो मुख्य रूप से मोहनी कर्म होता है उसके ऊपर कुठारा घात जब किया जाता है और उसके बाद एक साथ अवशिष्ट तीन घातिया कर्मों का क्षय होता है तो केवल ज्ञान
प्रकट हो जाता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने के उपरांत उन समस्त पदार्थों का ज्ञान उन्हें हो जाता है केवल ज्ञान के माध्यम से। किंतु एक विशेष बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ सिद्धांत के आधार से, वह ये है सम्यक ज्ञान पांच प्रकार के हुआ करते हैं। जो पांचों ज्ञान प्रमाणभूत हुआ करते हैं जिसमें मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये जो पांच ज्ञान हैं ये पांचों सम्यक ज्ञान हैं। इसके उपरांत भी इन पांचों ज्ञानों में एकमात्र श्रुति ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो वस्तु की प्ररूपना करता है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, ये चारों ज्ञान पदार्थ को जान सकते हैं, जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु वस्तु तत्व की विवेचना जो होगी, प्रतिपादन जो होगा, वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही होता है। केवल भगवान ने केवल ज्ञान के माध्यम से एक साथ समस्त पदार्थों का ज्ञान कर लिया, किंतु केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपना संभव नहीं, मात्र ज्ञान होता है। और प्ररूपना जो होगी वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से होता है, जिसको द्वादशांग बोलते हैं। तो आज इस तिथि के दिन ये गुरु पूर्णिमा क्यों मना रहे हैं? क्योंकि केवल ज्ञान उत्पन्न होने के उपरांत भी सुनते हैं 66 दिन तक दिव्य ध्वनि खिरी नहीं। क्यों नहीं खिरी? खिराई जाती है क्या? खिराई नहीं जाती, किंतु खिरती है। किंतु 66 दिन तक दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिरी, एक प्रश्न खड़ा है और उसका समाधान आज मिल जाएगा। गणधर परमेष्टि के अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, इस प्रकार गुरुदेव के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। और निश्चित रूप से आगम में कहीं न कहीं विषय आया होगा। कहाँ आया, क्या आया, ये विषय अलग है। किंतु गुरुदेव के मुख से कई बार ये सुनने को मिला है कि दिव्य ध्वनि नहीं करने का एकमात्र कारण यह रहा कि गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति। और अनुपस्थिति में दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, क्योंकि दिव्य ध्वनि जो खिरती है वह निरक्षरी हुआ करती है। और निरक्षरी जो दिव्य ध्वनि है वो ओंकारात्मक हुआ करती है, ध्वन्यात्मक हुआ करती है। उसके माध्यम से उस दिव्य ध्वनि की जो गहराई है, जो मूर्तामूर्त पदार्थ को जान करके, जानने के बाद जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उसके बाद उसकी विराटता को स्पष्ट करने की क्षमता गणधर परमेष्टि में हुआ करती है। और गणधर परमेष्टि की अनुपस्थिति के कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, ऐसा यह चर्चा का विषय आता है। तो आज के दिन इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति, ये तीन हैं। और ये तीनों अनेक विद्याओं में पारंगत थे। 500-500 शिष्य उनके साथ चल रहे थे, ऐसा भी आगम में पढ़ने को मिलता है। 500-500 शिष्य उन तीनों से आकर्षित थे, क्योंकि इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, इनके पास इतना विशाल ज्ञान था साहित्य के क्षेत्र में, सिद्धांत के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, अन्यान्य कलाओं में भी वे पारंगत थे। और विश्व के सामने अपने ज्ञान के माध्यम से आकर्षित करने का भाव उनका था, और जगह जगह जा करके अपने ज्ञान का प्रभाव डालते थे।
किंतु वह लौकिक ज्ञान माना जाता है, जिसके माध्यम से आत्मा का अथवा परमार्थ का ज्ञान नहीं हो पाता। परमार्थ का बोध कराने वाला जो ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। तो महाराज उन तीनों के पास इतना विराटता को लेकर के ज्ञान था और लोगों को आकर्षित करते थे वो, इसके उपरांत भी उनके पास सम्यक ज्ञान नहीं माना जाएगा क्या? आप समझते किसको सम्यक ज्ञान? वस्तुतः आगम में ये ज्ञात हो जाता आगम के माध्यम से, मिथ्यात्व की भूमिका में यानी जो मिथ्या दृष्टि है प्रथम गुण स्थान वर्ती है उसके पास भी 11 अंग और 9 पूर्व तक का ज्ञान हो सकता है, होता है। मैक्सिमम ज्ञान जिसको बोलते हैं क्षोभशभात्मक ज्ञान इतना होता है, इसके उपरांत भी उस ज्ञान के माध्यम से उस द्रव्य श्रुत के माध्यम से दूसरे का कल्याण हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। किंतु उसके पास सम्यक ज्ञान फिर भी नहीं, क्योंकि भावात्मक जो ज्ञान होता है वह भी समीचीन होना आवश्यक होता है। दिया तले अंधेरा, आप लोग बोलते हैं ना, दीपक के द्वारा इर्द गिर्द जो भी पदार्थ हैं वह प्रकाशित हो रहे हैं किंतु दीपक के तल में अंधेरा है। उसी प्रकार 11 अंग 9 पूर्व के धारी होकर के भी मिथ्यात्व अवस्था में जो चलता है जीव, वह उसके आत्म तत्व को प्रकाशित वह नहीं कर पाता उस ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि उसके पास श्रद्धान नहीं है। श्रद्धान के अभाव में ज्ञान वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता, वह मिथ्या ज्ञान की कोटि में आता है। इसलिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसी एक सूत्र एक पंक्ति आती है, सूत्र आता है, समीचीन ज्ञान ही प्रमाण की कोटि में आता है। अज्ञान जो लौकिक ज्ञान है वह प्रमाण की कोटि में नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में यत्र तत्र जाकर के प्रभावना कर रहे हैं अपनी दृष्टि से और अहंकार के साथ वो चल रहे हैं तीनों, मेरे सामने विश्व में और कोई भी ज्ञानी और कोई भी विद्वान और कोई भी कला संपन्न नहीं है, इस प्रकार उनके अंदर भाव जागृत हुआ है, इसको बोलते हैं ज्ञान का मद। किंतु उस समय इंद्र अपने सौधर्म इंद्र को चिंता होती है कि प्रभु को केवल ज्ञान तो हो गया, दिव्य ध्वनि खिर नहीं है, खिर नहीं रही है, अब कैसे खिरेगी, कौन इस दिव्य ध्वनि के खिराने में निमित्त होगा। इसको उन्होंने शायद अवधि ज्ञान के माध्यम से जान लिया हो और वो सीधा इस धरती पर आकर के उस व्यक्ति के पास पहुंच गए जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ, इंद्रभूति। और उनके पास जाकर के कुछ ऐसे विषय रखे, उनको सुन करके वह विस्मित हो गए हैं। 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 9 पदार्थ हैं, 6 लेशाएं हैं, आदि आदि विषय उनके सामने रखने से उन्हें विस्मय हुआ, ये एक नया विषय मेरे सामने आया, जो अभी तक हमने विश्व के लिए प्रकाश दिया अपने पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से, किंतु ये कुछ अलग ही विषय लेकर के आए हैं। ये कौन आए हैं? वो इंद्र और ब्राह्मण का रूप भेष बना करके आए हैं और उनके सामने निवेदन कर रहे हैं कि इसका अर्थ अभी तक हमें समझ में नहीं आया राजन, इसलिए आप ही इसका समाधान दे पाएंगे। वो चकरा गए कि अभी तक यह विषय मेरे सामने नहीं आया, ऐसा कौन सा विद्वान होगा, ऐसा कौन सा ज्ञानी, कौन ज्ञानी होगा जो इसका समाधान दे पाएंगे।
जो आए थे इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के, उन्होंने कहा कि महाराज समोषण लगा हुआ है और प्रभु विराजमान हैं और उनके हम सारे सारे शिष्य हैं और वे प्रभु जिन्हें केवल ज्ञान हो गया किंतु दिव्य ध्वनि नहीं खीर पा रही है और ये सारे सारे गुण जो विषय हैं इनका बोध हमें नहीं हो पा रहा है, इसलिए संसार में हमने कई व्यक्तियों को ढूंढा किंतु आप जैसे हमें किसी को हमने नहीं पाया, इसलिए आप चलिएगा। अच्छा वो कौन है? वो गुरु हैं हमारे। अच्छा तुम्हारे गुरु हैं? तो तुम्हारे गुरु हैं तो हमारे भी गुरु वही कहलाएंगे, किंतु अभी तो मैं उनको गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान है शायद ही किसी के पास होगा। इस प्रकार उसके अंदर विचार चल रहे हैं। इसके उपरांत भी उस इंद्र ने जो कहा उनके कहे अनुसार वह पहुंच जाते हैं। कहाँ पर? समोषण में अभी प्रवेश नहीं पाया। समोषण के बाहर एक मानस स्तंभ, जो उत्तंग मानस स्तंभ है जिसमें चारों दिशाओं में चार प्रतिमाएं विराज बिंब स्थापित हैं, उसका दर्शन उन्होंने किया तो झर 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 जो कौन सा वो मद था अपने अंदर, वो झर झर करके वह सब समाप्त हो गया। अच्छा ऐसा रूप है दिव्य रूप, इसको हमने अभी तक नहीं देखा न देख सकूंगा। इस प्रकार विस्मित हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। शायद उस मानस स्तंभ के दर्शन से ही सारा सारा मान उसका गलित हो गया और भीतर प्रवेश पाता है तो प्रभु का दर्शन होते ही अब कहना ही क्या है। इसके अलावा मेरे लिए संसार से तारने वाले, भव समुद्र से पार लगाने वाले और कोई भी व्यक्तित्व संभव ही नहीं। इस प्रकार उसके मन में विचार आने लगे और श्रद्धा का विषय बन जाता है। सम्यक की उत्पत्ति होती है और जैसे ही सम्यक दर्शन रूपी दीप जब जल जाता है तो सारा का सारा वह मद समाप्त होते ही समर्पण का भाव जागृत होता है और प्रभु को साक्षी मान करके उनको गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया और दैगंबरी दीक्षा उन्होंने ली। प्रभु कभी भी किसी को दीक्षित नहीं करते, प्रभु किसी को दीक्षा नहीं देते, किसी को शिक्षा नहीं देते बुला करके। देने वाले कौन? कोई देने वाला नहीं। और वे प्रभु भी किसी से दीक्षित हुए हैं ऐसा नहीं, वे स्वयं ही दीक्षित हो जाते हैं, इसलिए उनको स्वयंभू बोलते हैं, स्वयं दीक्षित होते हैं। हालांकि उनका अतीत का जीवन, इन्हें तीर्थंकरों का जो अतीत का जीवन है, वह जीवन किसी दूसरे केवले श्रुत केवले के पाद मूल में ही उनका जीवन व्यतीत होता है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध होता है कर्म सिद्धांत के अनुरूप आपके सामने विषय रखा जा रहा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। सम्यव तित्त बंधो, सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अधिकारी होता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभ करने वाला कोई जीव है तो वह मनुष्य है, देव नरकी नहीं। हालांकि नरगति में भी और देवगति में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। बंध होना अलग, किंतु बंध का प्रारंभ कौन करता है? तो वह कर्म भूमि का मनुष्य, उसमें भी नर शब्द का प्रयोग आता है। केवल दुवंते,
केवले अथवा अशुद्ध केवले के पाद मूल में जाकर के वह सम्यक दृष्टि जो कर्म भूमि का मनुष्य उसमें भी जो पुरुष है वही षोडश कारण भावना के माध्यम से उनके सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। फिर कालांतर में जाकर के जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है उस समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो प्रभु का जीवन वर्तमान में तो वो स्वयंभू रहे किंतु अतीत में निश्चित रूप से उन्होंने गुरु को स्वीकार किया था। कहीं कोई भी अपवाद एक्सेप्शन नहीं है कि हम गुरु को स्वीकार न करें और हम भगवान बन जाएं। इस प्रकार भी समाज में सुनने को मिलता है विषय भक्त नहीं और भगवान बनेंगे, बन गए तुम भगवान। ऐसे थोड़ी भगवान बनते, पहला भक्त बनो है? वक्त पर भक्त बनने की आवश्यकता है और जब तक प्रभु के चरणों में समर्पण भाव तुम्हारा नहीं होगा तब तक न भूदो न भविष्यति कभी भी भगवत पद की उपलब्धि संभव नहीं है। इस प्रकार उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, इसी को बोलते हैं सम्यक ज्ञान, और वे गणधर पद पर आसीन हो जाते हैं। प्रभु ने उनको गणधर पद स्वीकार करो ऐसा नहीं कहा, किंतु जिसके अंदर योग्यता होती है उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि जब तक उनकी उपस्थिति नहीं रही तब तक दिव्य ध्वनि खिरी नहीं। और जो ही प्रभु को, वीर प्रभु को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और दिगंबरत को अंगीकार कर लिया, श्रवण पद पर आरूढ़ हो गए, उसी समय दिव्य ध्वनि प्रारंभ होती। किंतु ये ध्यान रखो, उसी समय का अर्थ आज ही दिव्य ध्वनि खिरे ऐसा नहीं। आज तो गणधर परमेष्टि ने गुरु को स्वीकार कर लिया, प्रभु को, वीर प्रभु को उन्होंने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने आप को शिष्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया। शिष्यत्व को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। मैं शिष्य हूँ, किसका? वीर प्रभु का शिष्य हूँ। फिर दिव्य ध्वनि कब कीर्ती है? कल आने वाला है श्रावण वदी प्रतिपदा के दिन दिव्य ध्वनि कीर्ती है, जिस दिन वीर शासन जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज गुरु पूर्णिमा के रूप में आप मना रहे हैं। गुरु का अर्थ क्या होता है समझना बहुत कठिन है। कलाओं के माध्यम से विश्व को आकर्षित करना बहुत आसान है और मिथ्या दृष्टियों की संख्या अधिक होती है सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से, और वो सारे सारे मिथ्या दृष्टि आकर्षित होते चले आ रहे थे। किसके पास? इंद्रभूति, वायुभूति और अग्निभूति के पास। किंतु सम्यक दृष्टि कभी भी आकर्षित नहीं होता। सम्यक दृष्टि को आकर्षित करने वाले कौन हुआ करते हैं? तो मात्र देव ही हुआ करते हैं, प्रभु हुआ करते हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था का भाव जब जागृत होता है उसी समय वह ज्ञान सम्यक ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है, और सम्यक दर्शन के अभाव में वह अनादिकाल से वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान के रूप में रहा। इसलिए अपना और पराया क्या है वस्तु तत्व का स्वरूप जानने में नहीं आता। सोचो विचार करो, क्योंकि शब्दों के माध्यम से अर्थ तक पहुंचना और उसके बाद भाव तक पहुंचना बहुत कठिन हुआ करता है। एक ही शब्द है, एक शब्द है और उसके कई अर्थ निकलते हैं, किंतु प्रासंगिक अर्थ को जानने की क्षमता सम्यक ज्ञान के अलावा अन्य ज्ञान में यह संभव ही नहीं। इसलिए वस्तु तत्व को समझने के लिए पहले शब्दार्थ, फिर नयार्थ, मतार्थ,
और आगमार्थ, फिर बाद में भावार्थ की बात आती है। पहले शब्द का तो अर्थ निकल लगाओ, पहले किस शब्द का क्या प्रासंगिक अर्थ है, और प्रासंगिक अर्थ का बोध जिसे नहीं है उसके माध्यम से मिथ्यात्व की परंपरा चल सकती है और चल रही है। ध्यान रखो महाराज आप क्या कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखो। एक उदाहरण के माध्यम से हम उस विषय को पुष्ट करना चाहेंगे कि सेन्दवम आनयः, एक वाक्य है संस्कृत में, क्या बोला गया, सेन्दवम आनयः, सेन्दव ले आओ। सेन्दव का अर्थ क्या होता है महाराज, सेन्दव का अर्थ अश्व होता है, यानी घोड़ा होता है, और सेन्दव का अर्थ नमक की डली भी होती है जिसको लवण बोलते हैं। तो मान लो पंगत बैठी है भोजन करने के लिए, उस समय किसी को किसी ने कहा सेन्दवम आनय, तो उस समय वो यदि घोड़ा लेकर के आया है तो वह हास्य का पात्र बनेगा, क्योंकि प्रसंग क्या है ये देखने की आवश्यकता है। पंगत बैठी है भोजन के लिए, उस समय सेन्दव का अर्थ सही सही मायने में लवण ही होगा, और उस समय यदि मानो घोड़ा ले आए तो वह विद्वान नहीं कहलाया। और मान लो राजा जा रहा है, है? शेर कर रहा है, किसके ऊपर बैठ करके, घोड़े पर बैठ करके करना है, टहलने के लिए जा रहा है, तो उस समय किसी ने कहा सेन्दवम आनय, मान लो राजा ने कह दिया सेन्दवम आनय, तो उस समय लवण की डली लेकर के गया। ये परस्पर ये विरोधाभास इसी को बोलते हैं, एक ही शब्द है किंतु दो दो अर्थ निकल रहे हैं, दोनों 200 अर्थ भी निकल सकते हैं बंधुओं, ये ध्यान रखो। इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रसंग के अनुरूप शब्द का अर्थ बोध जब तक नहीं होगा तब तक वह भ्रमित होगा। यही बात हो गई अज का अर्थ होता है, क्या बोला गया, अजेर्यष्टव्यम, अज का होम करें, यज्ञ चल रहा था और वहां पर कहा गया अजेर्यष्टव्यम, अज का होम करना चाहिए इस यज्ञ में। तो अज का अर्थ क्या होता है, अज का अर्थ पुराना धान होता है और अज का अर्थ बकरा भी होता है, समझ में आ गई बात। और ये मिथ्यात की परंपरा आज भी चल रही है, और पशु का होम किया जाता है, जबकि उस यज्ञ में पुराना धान का भी होम किया जा सकता और करना चाहिए था, किंतु दिमाग दौड़ता नहीं, प्रसंग के अनुरूप वह शब्द का अर्थ नहीं निकाल पाता है, तो इस प्रकार विपरीत अर्थ निकाल देता है, तो उसके माध्यम से हिंसा की परंपरा चालू हो जाती है। इसलिए वह ज्ञान अथवा वह शास्त्र सत्शास्त्र नहीं माना जा सकता, उसको कुशास्त्र बोलते हैं, वह कुश्रुत माना जाता है। एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं, बहुत प्रासंगिक है, वरम एकाक्षरम ग्राह्यम, क्या कहा, वरम एकाक्षरम ग्राह्यम सर्वसत्वानुकंपनम नत्वक्षपोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्तचर्चितम, ऐसा कहा। एक अक्षर वर अर्थात श्रेष्ठ है, क्यों, सर्वसत्वानुकंपनम, जिन वचनों के माध्यम से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, दया भाव जिन वचनों में है, वह एक अक्षर भी क्यों न हो वह हमारे लिए ग्राह्य है और श्रेष्ठतम है, किंतु न तो अक्ष पोषकम, जो इंद्रिय के विषयों का पोषण करने वाला जो वचन है
वह हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, किंतु पाप का समर्थन करने वाला शास्त्र वह कुशास्त्र मारना माना जाता है, वो धूर्तों के द्वारा वह लिखा गया है, ऐसा कहा गया है आगम में। नत्वक्ष पोषकम पापम कुशास्त्रम धूर्त चर्चितम, ऐसा कहा। सोचो, विचार करो, इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय किया करो। समीचीन जो आगम है, आर्ष प्रणीत जो ग्रंथ हैं, आर्ष का अर्थ होता है ऋषियों के द्वारा जिन ग्रंथों की रचना की गई है, वही आगम है। बाकी सारा का सारा वह आगमा भास माना गया है, क्योंकि पाप का समर्थन करने वाला वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आ सकता। किंतु जो धर्म का समर्थन करता है, वही वस्तुतः आगम माना जाता है। तो आगम की रचना करने वाले गणधर परमेष्टि हुआ करते हैं। आज उन्होंने, गणधर परमेष्टि ने प्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार किया और अपने आप को गुरु का शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहा है। वो वस्तुतः इसलिए बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान हो तभी कल्याण होता है, ये धारणा निकाल दीजिए आप। थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो, अल्प भी हो, एक अक्षर का भी ज्ञान क्यों ना हो, किंतु वह ज्ञान समीचीन होना चाहिए। वही केवल ज्ञान को प्रकट कराने में सक्षम सिद्ध होता है, उसमें सामर्थ्य है। इसलिए 11 अंग और 9 पूर्व तक ज्ञान रख रहा है, वह द्रव्य स्रोत सम्यक होने के उपरांत भी उसके अंदर वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धा नहीं होने के कारण अथवा विपरीत श्रद्धा होने के कारण वह स्वयं सम्यक दर्शन से वंचित रहता है। इसलिए वो मद के साथ चल रहे थे, मेरे सामने और कोई भी जगत में विद्वान नहीं है, कोई कला संपन्न नहीं है, इस प्रकार की उसकी धारणा बनी हुई थी। और उस विपरीत ज्ञान का इतना प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, 500-500 व्यक्ति उनकी अनुयायी हो गए, भक्त बन गए। किंतु होनहार जिसका जैसा होता है वैसा ही होता है, बाप जैसा बेटा। उनके पास विपरीतता थी, इसलिए उसका प्रभाव जिनके ऊपर पड़ा उनके अंदर भी विपरीतता आ गई है। इसलिए सोच विचार करके धारणा बना लेनी चाहिए। इसलिए आर्ष प्रणीत ग्रंथ का आप अध्ययन करना प्रारंभ करो और आस्था के साथ, समर्पण भाव के साथ, आदर और भक्ति पूर्वक बहुमान के साथ यदि स्वाध्याय करते हैं, निश्चित रूप से वह अनादिकालीन जो मोह की परंपरा है वह टूट सकती है। नहीं है तो भगवान भी उतर करके आ जाए तो आपको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे भीतर विपरीतता बनी रहेगी तो, क्योंकि भगवान भी क्या करेंगे, क्योंकि भगवान आपके सम्यक के उत्पत्ति में निमित्त बन सकते हैं, वो भी बहिरंग निमित्त के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, अंतरंग तो अपना उपादान होता है, यदि उनके द्वारा ही एकांत से कल्याण होता तो अभविका भी कल्याण आज तक हो गया होता, किंतु नहीं हो सकता, क्यों, नेचर का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए यदि विपरीतता आई है तो उस विपरीतता को दूर करने के लिए अपने को सम्यक ज्ञान का ही आधार, आश्रय, आलंबन लेना होगा। इसलिए थोड़ा बहुत भी क्षोभ्रम हो जाए कोई वादा नहीं। कई व्यक्ति कहते हैं कि महाराज हम तो अज्ञानी ठहरे, हमारे पास कोई ज्ञान है ही नहीं, हम ककारा नहीं जानते। कोई वादा नहीं, घबराओ नहीं। अच्छा महाराज, हमारा भी कल्याण हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कौन कहता नहीं होता है। आखिर ज्ञान बोलते किसको? अजेर अष्टव्यम का अर्थ उन्होंने अज का अर्थ बकरा ले लिया, तो ऐसी स्थिति में सम्यक ज्ञान माना जाएगा क्या? वो नहीं है। किंतु जो अर्थ
सही सही प्रासंगिक अर्थ निकालता है वह सम्यक ज्ञानी की कोटि में आता है। इसलिए आपके पास थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो किंतु समीचीन ज्ञान होना चाहिए जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद हो सके। ऐसे ऐसे भी आगम ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं कि एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख दूं जिनका नाम है शिवभूति है। शिवभूति मुनि का उदाहरण जगह जगह मिलता है। उनके पास कोई भी श्रुत ज्ञान द्रव्य के रूप में श्रुत ज्ञान नहीं था, आगम का ज्ञान नहीं था और उनके गुरु परेशान हो गए। पढ़ाते 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 शिक्षा देते 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 फिर भी उनके अंदर वह ज्ञान उतर नहीं पा रहा है और परेशान हो गए। अब क्या किया जाए? नमोकार मंत्र का भी बोध नहीं है उन्हें। अब इनको क्या दें? कैसे इनका इसका कल्याण कैसा हो? और वो श्रवण पद को भी अंगीकार किया है उसने, इसके उपरांत भी ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है। ज्ञान दो तरह का है, एक शाब्दिक ज्ञान होता है, एक भावात्मक ज्ञान होता है। शाब्दिक ज्ञान तो उनके पास नहीं था, इसलिए परेशान हो रहे थे गुरु पढ़ाते पढ़ाते। अब मुश्किल है इसका कल्याण होना, लेकिन मुश्किल कैसा? क्योंकि समर्पण भाव भी कोई वस्तु हुआ करती है। कितना समर्पण भाव उनके अंदर होगा विस्मय होता है। हम और आपके पास इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी तर्क वितर्क करते चले जा रहे हैं, किंतु जिनवाने के प्रति अथवा गुरु के प्रति प्रभु के प्रति समर्पण का भाव जागृत नहीं हो पा रहा है। और एक दिन वो शिवभूति आहार के लिए निकले ऐसा सुनने को मिलता है। गुरुदेव के मुख से हमने कई बार इस प्रसंग को सुना है, इसलिए आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूँ। आहार के लिए निकले हैं और सड़क से जा रहे हैं और एक वृद्धा है, वृद्ध महिला, और वो क्या कर रही है? उड़द जानते हैं आप है? और उड़द का दाल है और उसको साफ कर रही है, छिलके को अलग कर रही है और दाल को अपनी ओर और छिलके को फटकार रही है। किस में रख करके? सोफा बोलते हैं, सोफा सेट ने उस पर बैठ करके आप वो अलग है, ये सूपा उसमें रख करके वह साफ कर रही है और उनकी दृष्टि उस ओर जाती है। उन्होंने पूछा, माँ ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रही हूँ, ये उड़द के दाल हैं और ये छिलके हैं, छिलके छिलके को मैं फटकार रही हूँ और दाल को मैं ले रही हूँ। इन्हें दाल ग्रहण करने योग्य है और छिलका ग्रहण करने योग्य नहीं है, इस प्रकार उन्होंने कहा। बस गाड़ी रिवर्स हो गई। आहार करने के लिए निकले, वो आहार करने के लिए अब उनकी भावना नहीं हुई, वापिस हो गए ऐसा सुना हमने। और वापिस हो करके गुरुदेव के सामने नतमस्तक हो गए और एकांत में बैठ करके उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के उपरांत अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया। सोचो विचार करो, ऐसा कौन सा ध्यान लगाया होगा महाराज उन्होंने? लंबा चौड़ा तो ज्ञान है ही नहीं उन्हें, न लंबा होता न चौड़ा होता है, ज्ञान ज्ञान हुआ करता है, ये ध्यान रखो। वस्तुतः अपना और पराया ये भेद ज्ञान जिसे हो गया इतना पर्याप्त है। छोड़ने योग्य पदार्थ कौन से हैं? हे और उपादेय का बोध होना चाहिए, दो ही, ज्यादा शास्त्र का ज्ञान कोई आवश्यकता नहीं मुझे। हे का अर्थ छोड़ने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है? पंचेंद्र के विषय ये छोड़ने योग्य है, ये है,
ये संसार के लिए कारण है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनना चाहिए। और उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य क्या है, शुद्ध परमात्म तत्व ही मेरे लिए ग्रहण करने योग्य है, इस प्रकार का शिवभूति मुनि के अंदर ज्ञान आ गया। तो उन्होंने सोचा जो शुद्ध परमात्म तत्व है वह उड़द के समान है, वह ग्रहण करने योग्य है, और यह शरीर यह देह जो है ना छिलके के समान है, इसको छोड़ने योग्य है, ये इसको बोलते हैं भेद विज्ञान। शिवभूति ने तुष्मासम घोषंतो तुष और मास, तुष का अर्थ होता है छिलका भूसा और मास का अर्थ होता है उड़द, इसलिए आत्म तत्व उड़द के समान है, वह ग्रहण करने योग्य है, किंतु संसारी प्राणी उस आत्म तत्व को छोड़ करके जो छिलका है उसके पीछे भाग रहा है। बहुत विचित्र दशा है। एक बार एक सज्जन ने कहा गुरुदेव के पास पहुंच करके, महाराज आप जब भी मंच पर विराजमान होते हैं और आपका उपदेश प्रारंभ होता है, देशना प्रारंभ होती है, उस समय हमें बहुत नींद सताती है, मैं क्या करूं, बहुत प्रयास करता हूं लेकिन नींद ही एक अक्षर भी सुन नहीं पाता, नींद घिर जाती है, निद्रा घिर जाती है, उसके लिए क्या किया जाए। तो गुरुदेव ने कहा कब कब निद्रा आती है ये तो बता। महाराज जब माला जपने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, उपदेश सुनने के लिए बैठ जाता हूँ तो नींद आती है, कभी 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 कोई तत्व चर्चा का प्रसंग आता है उस समय नींद आती है। तो गुरुदेव ने ये पूछा कि देखो जब तुम हाथ में नोट का बंडल रहे ना, हाँ उस नोट के बंडल को नोट गिनते समय कभी आपको झपकी आई क्या, नींद आई? महाराज नींद उस समय तो नींद नहीं आती, शानी है वो निद्रा तुम्हारी। धर्म की बात धर्म की चर्चा जब चालू हो जाती है उस समय संसारी प्राणी को नींद आती है, क्योंकि धर्म रुचता नहीं है, विषय रुचते हैं, पंचेंद्र के जो विषय हैं, राग देश की चर्चा उसको रुचती है, विकताओं में वो घंटों व्यतीत करता है, किंतु सत्कथा जब चालू होती है उस समय नींद आती है, इसी को बोलते हैं होनहार। क्या कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा समय मेरे पास नहीं, आज गुरु पूर्णिमा आप लोग मनाने के लिए बैठे, मनाने का अर्थ और कुछ नहीं, गुरु की आराधना समीचीन आराधना करना आज से प्रारंभ कर लो, प्रतिदिन गुरु पूर्णिमा मनाई जा सकती है। 50-55 साल व्यतीत हुए गुरुदेव ने अपना आत्म कल्याण करते हुए, निर्दोष रत्नत्र की आराधना करते हुए, चतुर्विध संघ के लिए और पूरे विश्व के लिए, जैन समाज ही नहीं पूरे समाज के लिए उन्होंने प्रकाश दिया। इसके उपरांत भी यदि कोई गुरु को याद नहीं करना चाहता है, उसका होनहार। अब गुरु ही जाने अथवा प्रभु जाने, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि प्रभु की आराधना संसारी प्राणी ने अभी तक हृदय से नहीं की है, इसलिए संसार इस धरती पर वह चल रहा है, घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। सोचो विचार करो, निरपेक्ष भाव के साथ विश्व कल्याण की बात करते थे, निरंतर वो आत्मा आत्म कल्याण तो करते ही थे, आत्म साधना करते हुए विश्व को भूलते नहीं थे, क्योंकि आचार्य का जो स्वरूप है वह उसमें यही लिखा हुआ है, परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। दूसरे का हित करना ही एक मात्र कार्य होता है उनका, और इधर उधर की चर्चा नहीं करते हैं। आप मान लो सांसारिक चर्चा करने के लिए आ गए तो वो कहते हैं ओम शांति, और धर्म चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं तो बैठ जाओ वेलकम,
आ जाइए आप बैठो, आपको मैं घंटों दे सकता हूँ, क्योंकि आप धर्म की चर्चा करना चाहते हैं तो मेरे पास समय है, किंतु संसार की चर्चा करना चाहो मेरे लिए एक मिनट नहीं एक समय भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि समय से बढ़कर के और कोई भी मौलिक वस्तु नहीं, क्योंकि सही में संयम के माध्यम से रत्नत्र की आराधना के द्वारा वह प्रति समय असंख्यात असंख्यात कर्मों की निर्जरा करता है, इसलिए मुझे असंख्यात कर्मों की निर्जरा करने के लिए साधना अपनाई है, इसलिए हम व्यर्थ के चर्चाओं में हम समय दे नहीं पाएंगे, इस प्रकार गुरुदेव का कहना रहता है। एक और छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखूं, गुरुदेव के विषय में है इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि गुरु का जो गुणानुवाद करने का जो अवसर आता है तो उस समय समय को नहीं देखा जाता, किंतु समय अर्थात आगम को ही देखा जाता है। तो 78 की बात है, या 3 चतुर्मास उन्होंने नैनागिरी में किए हैं, 78 और 81 और 82 लगातार 2 चतुर्मास उनके हुए। उस समय मैं छुल्लक अवस्था में था और आचार्य महाराज निरंतर अपनी लेखन क्रिया में व्यस्त रहते थे, समय पर प्रवचन भी देते थे, छोटा सा संघ था, उस समय संघ के लिए भी यथा योग्य और स्वाध्याय के रूप में कोई ग्रंथ का स्वाध्याय कराते थे वो, और इसके उपरांत एक समय के लिए भी वह फ्री नहीं बैठते थे। और अपराह्न वेला में आचार भक्ति होती है और आचार भक्ति होने के उपरांत लगभग 10-15 मिनट समय रहता है सामायिक के बैठने के लिए, उतने समय में भी वो अपने ग्रंथ को खोल करके थोड़े से प्रकाश दिनास्त होने को है और रोशनी बहुत कम आ रही, उतने ही प्रकाश में वो अवलोकन करते हैं, अष्टपौड़ का उस समय अनुवाद कर रहे थे वो, प्राकृत में अष्टपौड़ की रचना कुंद कुंद ने की है और उसका अनुवाद हिंदी पद्यानुवाद उन्होंने वसंत तिलका छंद में करना प्रारंभ किया था, लगभग मेरे विचार से 500 करीब उसमें गाथाएं हैं, उसका अनुवाद प्रारंभ किया था उन्होंने और 10-15 मिनट के लिए उस ग्रंथ को खोल करके अवलोकन कर रहे हैं, और अवलोकन आपको लग रहा है और 10-15 मिनट में लगभग 5 अथवा 6 गाथाओं का अवलोकन उन्होंने कर लिया, प्राकृत गाथाओं का अवलोकन और बंद करके रख दिया और सुबह उसका अनुवाद लिखने के लिए बैठे हैं वो। उन 5-6 गाथाओं को उन्होंने कंठस्थ कब किया और उसका अनुवाद कब किया और अनुवाद को भी याद कैसा रखा समझ के बाहर है, इसको बोलते हैं एकाग्रता, इसी को बोलते हैं ध्यान, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम ऐसा कहा। मुझे आश्चर्य लगा कितना अद्भुत क्षोभ शब्द है इनका, असाधारण व्यक्तित्व इसी को बोलते हैं। हम बार बार रट रहे हैं, इसके उपरांत भी वह सारा सारा विषय डिलीट हो जाता है मिनटों में, किंतु 10-15 मिनट ही उन्होंने अवलोकन किया था और रात भर चिंतन करके आगम के अनुरूप किस गाथा का क्या आशय है भाव है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनुवाद रात भर में बैठे बैठे एकाकी हो करके अंधेरे में प्रकाश नहीं किंतु अंत प्रकाश में, भीतर आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान का जो प्रकाश है, उस ज्ञान के प्रकाश में ही उन्होंने अध्ययन करके इस प्रकार अनुवाद आदि को करते थे। उसको देख करके मुझे ऐसा लगता है इस प्रकार विशिष्ट क्षोभशम के धनी, और मात्र ज्ञान का ही क्षोभशम नहीं किंतु जो उनकी साधना रही है
संयम की जो साधना, रत्नत्री की जो आराधना है, वह न भूदो न भविष्यति। आज वर्तमान में मात्र माइक सामने आ जाता है, पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहिए इसको कोई अता पता नहीं, और बोलते चले जा रहे हैं। विद्वान इसका नाम नहीं है। आचार्यों ने कहा है कि आगम के अनुरूप बोलो, भले ही अल्प बोलो, घंटों तक स्पीच देने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु हित मित और प्रिय वचनों का उपयोग होना चाहिए। भाषा समिति के अनुरूप ही श्रमण वार्ता करते हैं, श्रमणों के बीच में भी और आपके बीच में भी, मंच पर आकर के शास्त्र खोल करके स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, उस समय इतना सावधान रहते हैं, आपकी ओर दृष्टि उनकी है, पूरी सभा उनके दृष्टि में आ रही है, किंतु उनकी दृष्टि सभा की ओर नहीं, केवल सामान्य रूप से सभा का अवलोकन हो रहा है, किंतु भीतर उनकी दृष्टि है आगम में कहां पर क्या विषय आया है। एक एक विषय को बार बार चिंतन करके आगमानुकूल वो प्रवचन देते हैं, नहीं है तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लग सकती। अनर्थ ज्ञान के द्वारा ही अनर्थ होता है और ज्ञान के द्वारा ही उद्धार होता है संसार प्राणी का। जो उद्धार करने में जो सक्षम समर्थभूत जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान माना जाता है, और बाकी सब ज्ञान वह विपरीत ज्ञान माना जाता है। इसलिए गणधर परमेष्टि आज बने द्वादशां की रचना उन्होंने की है, लेकिन क्योंकि गणधर परमेष्टि गणधर बने हैं, प्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार किया है, अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, और दिव्य ध्वनि खिरेगी जो कि वीर शासन जयंती के रूप में श्रावण वदी प्रतिपदा के दिन उसको मनाया जाता है। आज संक्षेप में गुरु का क्या स्वरूप होता है, प्रभु का क्या स्वरूप होता है, आगम का क्या स्वरूप होता है, इसको संक्षेप में आपके सामने रखा है, और आगे भी इसी प्रकार समयानुसार प्रसंग के अनुरूप आगम के आधार से यहाँ पर चर्चा करेंगे, तत्व चर्चा आदि होगी, उसके माध्यम से आप लोगों का भी कल्याण हो, यही एकमात्र उद्देश्य रखते हुए, निरंतर समय का ध्यान रखते हुए हम जिनवाणी की आराधना करेंगे, गुरु की आराधना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, और प्रभु बनने के लिए आराधना हमें करनी है। बाकी आराधना यदि प्रभु बनने के लिए यदि नहीं करते हैं तो कभी भी संसार का विनाश संभव नहीं है। संसार का अंत यदि होगा, संसार का विच्छेद यदि होगा, तो वस्तुतः प्रभु बनने के उद्देश्य को लेकर के आराधना करें, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।